नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस एंड एक्टिव गुड़िया के चैनल में मैं गुड़िया केसरी एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं, आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूं। गाइस, ये जो क्लास है ये कंप्यूटर की क्लास है और कंप्यूटर की क्लास में जो हम पढ़ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, अगर आज की बात की जाए तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ रहे थे रोम, राइट। रोम में क्या पढ़ने वाले हैं, तो रोम में आज हम पढ़ने वाले हैं डबल ई पी रोम, ठीक है। आ जाओ, हम जो क्लास कर रहे थे, हाई जो क्लास है वो है कंप्यूटर की। सबसे पहले तो हम ये क्या कौन सा क्लास पढ़ रहे हैं, तो हम कंप्यूटर की क्लास पढ़ रहे हैं, राइट। कंप्यूटर में हम क्या पढ़ रहे हैं, तो कंप्यूटर में हम रोम पढ़ रहे हैं। रोम बताया था मैंने आपको, रोम जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। पहला होता है पी रोम, दूसरा होता है ई पी रोम, तीसरा होता है डबल ई पी रोम। तो हम जो होता है दो बार ई, ठीक है, और फिर है पी रोम। सबसे पहले तो हम ई पी रोम का पूरा नाम जानेंगे, है ना। डबल ई पी रोम यानी दो बार ई है फिर है पी रोम। सबसे पहले इसका नाम जान लेते हैं। ई से हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी, ई से इलेक्ट्रिसिटी, ई से इरेजिबल, आर से रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी इरेजिबल, ठीक है। ई से हो गया इलेक्ट्रिसिटी, ई से हो गया इरेजिबल, पी से हो गया प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल बी एल ई, हाँ प्रोग्रामेबल। आर से हो गया रीड, ओ से हो गया ओनली, और एम से हो गया मेमोरी। ये है डबल ई पी रोम का पूरा नाम, इलेक्ट्रिसिटी इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये क्या हो गया, पूरा नाम हो गया। सबसे पहले जान लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी इरेजिबल प्रोग्रामेबल ये क्या चीज़ है। देखो, इस समय जो हमारे कंप्यूटर आ रहे हैं, चाहे हम अपने स्मार्टफोन की बात कर ले, चाहे हम लैपटॉप की बात कर ले, चाहे हम अपने पीसी की बात कर लेते हैं, ठीक है, आजकल जो भी कंप्यूटर आ रहे हैं उसमें जो रोम लग रहा है वो आपका यही रोम है। कौन सा है, डबल ई पी रोम, यानी इलेक्ट्रॉनिकल इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें जो रोम लग रहा है वही है। इसमें क्या खासियत है, पी रोम में क्या होता था कि एक बार प्रोग्राम जो आपने लिख दिया सो लिख दिया, उसे इरेज नहीं कर सकते थे, वो हो गया परमानेंट हो गया, राइट। दूसरा आया था आपका इरेजिबल, ठीक है, प्रोग्रामेबल ई पी रोम, ठीक है, जिसमें क्या था ए, इसमें आप मिटा सकते थे, लेकिन वो मिटाने के लिए बार बार क्या करना पड़ता था, मदरबोर्ड को खोलना पड़ता था, उसमें से रोम को निकालना पड़ता था, धूप में लेके 15 मिनट तक खड़ा होना पड़ता था, फिर अल्ट्रा रे के थ्रू वो क्या होता था, इरेज होता था। लेकिन जब इतनी सारी प्रॉब्लम है बार बार डेटा को राइट करने के लिए, ठीक है, डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ता था, सूर्य की रोशनी में लेके खड़े रहो, वो झंझट था। तो उसके बाद कंप्यूटर आपके जो जन्म है मैथमेटिशियन जो कंप्यूटर बनाने वाले लोग थे, इन्होंने कहा क्यों नहीं ऐसा किया जाए कि मदरबोर्ड को खोला ना जाए, रोम को अंदर ही अंदर, ठीक है, जब हम कंप्यूटर को ऑन करें तो कंप्यूटर के अंदर ही हम अपने डेटा को डिलीट कर सकें और राइट कर सकें। तो उन्होंने क्या बनाया, डबल ई पी रोम, ठीक है, और ये आपका इरेजिबल है, इरेज कर सकते हैं, एक बार नहीं हजार बार, जितने मन चाहे उतने बार डेटा को आप रखो, नई जरूरत है डिलीट मार दो, ठीक है, मतलब मिटारो रखो, मिटारो रखो, जितने बचाए अनगिनत बार कर सकते हो, लेकिन किसके द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, ठीक है। यानी जो हम अपने कंप्यूटर में आप देखते हो जो भी जरूरत की चीज़ें होती है उसे रखते हैं, अदरवाइज उसे डिलीट मार देते हैं, है ना। तो रोम में जाके स्टोर भी हो जाता है, जैसे कि आपका आप पेन ड्राइव है, ठीक है, ये सब आपके किस में आएगा, डबल ई पी रोम में, ठीक है। तो ये क्या होता है, मैनी क्या कहते हैं, मैनी टाइम रीड एंड राइट, इसमें क्या कर सकते हैं आप, तो इसमें आप मैनी टाइम रीड भी कर सकते हो, रीड एंड राइट, ठीक, इसमें क्या कर सकते हो, डेटा को आप मैनी टाइम रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो, मिटा भी सकते हो और लिख भी सकते हो, ठीक है। ये क्या है, तो ये आपका नॉट यूज फॉर वोलेटाइल रे, ठीक है, इसमें हम किसका यूज नहीं कर सकते हैं, इसमें यूज नहीं होता है, इट इज Not use ultra
अल्ट्रा वॉयलेट, ठीक है, इसमें किसका यूज नहीं कर सकते आप, अल्ट्रा वे रे का यूज नहीं कर सकते। बार बार निकालो, धूप में लेके खड़े हो, फिर सूर्य की पराबैंगनी किरणें उस पर पड़ेगी, फिर उसे इरेज किया जाएगा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें आप जब चाहे तब डिलीट कर सकते हो अपने कंप्यूटर पर बैठे बैठे, बस वो चलना चाहिए, बिजली वहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। वी कैन, आप लिख सकते हो, इसमें मैं लिखवा नहीं रही हूँ, समझा दे रही हूँ। वी कैन रीड एंड राइट प्रोग्राम मेनी टाइम बाय द ईपी रोम, ठीक है। इसमें आप ईपी रोम के द्वारा कई बार क्या सकते हो, डेटा को रीड भी कर सकते हो और आप क्या कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो, ठीक है। विदाउट रिमूविंग रोम फ्रॉम द सर्किट ए न्यू प्रोग्राम कैन बी रिटेन बाय द रिमूविंग ओल्ड प्रोग्राम विदाउट विथ द हेल्प ऑफ हाई इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। बिजली का बिजली लेके आप उसके अंदर ही कंप्यूटर बैठे बैठे ही आप डिलीट करवा सकते हो। अच्छा, इसे एक नाम से और जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता था देख लो। तो इसे हम फ्लैश मेमोरी के नाम से जानते हैं, दिखाई दे रहा है ना, इसे हम फ्लैश मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। किस मेमोरी के नाम से, फ्लैश मेमोरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्या होता है फ्लैश मेमोरी, है ना, जैसे कि आपका पेन ड्राइव, ठीक है, एक एग्जांपल के रूप में समझ आ रही हूँ मैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के रूप में आप लिख सकते हो, एक तरीके से आप कह सकते हो आपका हो सकता है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव आपने यूज किया होगा और नाम भी सुना होगा। पेन ड्राइव में क्या होता है, जैसे हमने बायोडाटा बना लिया, ठीक है, बहुत अच्छा सा बायोडाटा बनाया है और मुझे लगता है मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, उस बायोडाटा की जरूरत में कई बार पड़ेगी, ठीक है। और नेट नहीं चल रहा है, मान लो सपोर्टेड नेट नहीं चल रहा, नेट में प्रॉब्लम है, मेल पर नहीं जा पा रहा है, तो आपने क्या किया, एक छोटा सा आपका वो होता है मेमोरी कार्ड की तरह होता है पेन ड्राइव, उस पेन ड्राइव में आपने ले लिया। लेने के बाद क्या कर सकते हो, जब चाहे तब, ठीक है, जिसे किसी चाहे कंप्यूटर में आप लगा के उसे ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो एक ही डेटा को आप कई बार कई जगह ले सकते हो, जरूरत नहीं है तो डिलीट मार सकते हो। ये फ्लैश मेमोरी का काम होता है, इसे कहते हैं फ्लैश मेमोरी, ठीक है। अभी और भी डिटेल में पढ़ाया जाएगा। यह आपका प्री प्रोग्राम रोम होता है। कैसा रोम होता है, तो यह आपका रीप्रोग्रामेबल, ठीक है, रोम होता है। इसे प्रोग्राम मल्टीफिकेशन के समय ही डाला जाता है, ठीक है। अब बोलोगे क्या कहते हैं मल्टीफिकेशन के समय, मतलब जैसे आपका जो इस समय चल रहा है ना, आपका जो इस समय अनगिनत बार डिलीट करना, अनगिनत बार डालना जो चल रहा है, वो इसी जनरेशन का है, ठीक है। तो कह सकते हैं हम इसे मास्क रीड ओनली मेमोरी भी कहा जाता है। पेन ड्राइव में हम डेटा को कई बार डिलीट भी कर सकते हैं और इसे राइट भी कर सकते हैं। मैं इसलिए हट जाती हूँ ताकि आपको जो भी लिखा है साफ साफ दिखाई दे, ठीक है। ईपी रोम की बात की जाए, डबल ईपी रोम जो होता है यूज इन डिजिटल कैमरा, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, देखो आप सबसे पहले ये चीज़ नोट कर लो, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। कई जगह इसे यूज किया जाता है, जैसे कि आपका हो गया डिजिटल कैमरा, हाँ डिजिटल, आप देखे हो, बेटा हटा दे रही हूँ, आपने देखा होगा डिजिटल कैमरा में क्या होता है, हम कई बार फोटो खींचते हैं, अच्छा लगा तो ठीक है, अदरवाइज डिलीट मार दो, है ना। हाँ, अपने मोबाइल में ही देख लो, मोबाइल में कोई अच्छा सा हम सेल्फी ले रहे हैं, सेल्फी जब अच्छी नहीं आती है तो क्या करते हैं, डिलीट मार देते हैं तुरंत, तो वो डिलीट भी हो जाता है, ऐसा तो है नहीं। अब ये था कि जो मतलब कि एक साथ आपने 50 फोटो खींच लिया, जो अच्छा लगा उसे रखा, फिर नहीं जो अच्छा लगा उसको प्रिंट आउट निकाल के निकाल लिया, फिर सब डेटा को एक साथ डिलीट कर दिया, नहीं ना। उसमें क्या होता है, डिजिटल कैमरा में जो हमारे मोबाइल में भी होता है, हमें जो पसंद नहीं आता तो हम डिलीट मार देते हैं, है ना। तो किसके द्वारा होता है, डबल ईपी रोम के द्वारा होता है, ठीक है। इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो आप लिख सकते हो यूज्ड इन, इसमें किसमें ये यूज किया जाता है, तो आप लिख सकते हो डिजिटल कैमरा, इस रोम का यूज आपका डिजिटल कैमरा है ना, जो आपका क्या कहते हैं आजकल जो फेमस चल रहा है, ठीक है, आपका हो गया इसमें बहुत तेज चल रहा है लैपटॉप, ठीक है, आपका टैबलेट, आपका जो हम यूज करते हैं कह सकते हो स्मार्टफोन, भाई स्मार्टफोन भी तो होता है, नहीं पसंद आया डिलीट मार दो, कैसे डिलीट कर दे रहे हो भाई, फिर भी डिलीट हो जाएगा कैसे, तो वो आपका ईपी रोम के थ्रू ही हो रहा है, ठीक है। आपका स्मार्टफोन हो गया, आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, मैं बार बार नहीं लिखूंगी, समझाने के लिए लिख दिया, इतना एग्जांपल से आप समझ सकते हो, आपका क्या क्या हो गया, स्मार्टफोन हो गया, लैपटॉप हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक, क्लियर है। इसमें डेटा को डिलीट करने के लिए इलेक्ट्रिकल विधि से मिटाया जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, तो ये आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, अनगिनत बार फिर से रीप्रोग्राम किया जा सकता है, ठीक है। ये कैसा होता है, तो ये आपका नॉन वोलेटाइल होता है, नॉन
वोलेटाइल मेमोरी होता है। कैसे मेमोरी होता है? नॉन वोलेटाइल, ठीक है, यानी कि परमानेंट नहीं होता, अस्थायी होता है। जरूरत पड़ी तो रखो, अदरवाइज टाटा बाय बाय, यानी कि डिलीट कर सकते हो, ठीक है। किसके द्वारा? तो बिजली के द्वारा। अच्छा, ईपी रोम इस समय जो आपका इंटेल कंपनी है वो ईपी रोम का पहली बार इसका यूज किया था, ठीक है। कब बना था सबसे इम्पोर्टेंट है, तो आप लिख सकते हो ये बना था आपका 1978 में। क्या हुआ था? 1978 में इन्वेंट हुआ था, ठीक है। क्या किया गया था? ये इन्वेंट किया गया था किसके द्वारा? तो आप लिख सकते हो आपका है गर्ग पियर गोस, ठीक है, मैं लिख दे रही हूँ, बाय जी ई ओ आर वाई, गर्ग, ठीक है, पर गोस, ये है, ठीक है। इस इनके द्वारा ही क्या किया था? इसे इन्वेंट किया गया था। क्लियर है? आई होप चीज़ें समझ में आ गई होगी, है ना। रोम जो बना वो तीन प्रकार का बना। रोम जो हम जो हमारे कंप्यूटर में जो यूज होता है रोम, तो इसके जो टाइप्स होते हैं तीन होते हैं, पी रोम, ई पी रोम और डबल ई पी रोम, ठीक है। इस समय जो भी हम यूज कर रहे हैं वो आपका न तो पी रोम है न ई पी रोम है, वो आपका डबल ई पी रोम है, यानी इलेक्ट्रिकल। क्योंकि भाई हमारा जो कंप्यूटर होता है किससे चलता है? हमारी बिजली से तो चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा तो क्या कंप्यूटर चल जाएगा? नहीं। क्या आप पानी से चला सकते हो? नहीं चला सकते। क्या आप हवा से कंप्यूटर चला सकते हो? नहीं, बिजली से ही चलता है, है ना भाई, सही बात है। तो वो भी प्रोग्राम को डिलीट करने के लिए बिजली से ही यूज होगा। अच्छा, कंप्यूटर बंद है और आप सोचो कि हमने डेटा को उड़ा दिया या फिर अपने डेटा जो भी है कंप्यूटर के अंदर फाइल वाइल उसे डिलीट मार दे, नहीं, तो उसके लिए आपके इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, क्लास पसंद आई होगी, क्लास अच्छी लगी होगी। तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार अगर सब्सक्राइब करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब हम पढ़ेंगे रोम के और भी कुछ चीज़ें हैं जो उसे फाइनल करके हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी की तरफ क्या होता है सेकेंडरी मेमोरी, उसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं, ठीक है। तो आई होप क्लास अच्छी लगी होगी। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर टू ऑल ऑफ़ यू।